हेलो ट्रेडर्स, ये तो हम सबको पता है कि यार अगर इंट्राडे में प्रॉफिटेबल रहना है या स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना है तो हमारे पास बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज उसी बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मार्केट में काम करती है प्रूफ के साथ आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं, मूविंग एवरेज को डिटेल में सीखते हैं हम लोग। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम मूविंग एवरेज को चार पार्ट में समझने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में। भाई ये पेड कोर्स में मिलता है आपको, तो बिल्कुल फ्री में हम इसको डिटेल में समझ लेंगे आज के दिन, और दो स्ट्रैटेजी भी समझेंगे इंट्राडे के लिए एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज मूविंग एवरेज। तो चलो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो मान लो आप मार्केट में गए आलू लेने के लिए, जिसका प्राइस अभी 20 रुपये चल रहा है, और 10 दिन पहले उसका प्राइस चल रहा था 10 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये, 18 रुपये, 16 रुपये, अभी 20 रुपये चल रहा है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि भाई महंगाई है, यानी कि मार्केट पॉजिटिव है, ऊपर की ओर जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो ठीक है, एज अ मार्केट हम देख रहे हैं, ठीक है, एज अ कंज्यूमर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो, मान लो प्राइस अब भाई 8 रुपये हो गया 10 से नीचे, इसका मतलब क्या है, और नीचे जाता जा रहा है, इसका मतलब है भाई मार्केट में बिकवाली चल रही है। जो व्यापारी है उनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा होगा, या जो किसान है उनको नुकसान हो रहा है। सीधी सी बात है, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो भाई मूविंग एवरेज अगर ऐसे चल रही हो ना, तो इसका मतलब होता है मार्केट बुलिश है, और ऐसे चल रही हो और कैंडल्स इसके नीचे हो तो आपको समझ जाना चाहिए। ये कैंडल्स क्या हैं, ये कैंडल्स हैं प्राइस। इसका मतलब है कि भाई आलू का प्राइस 8 रुपये, 7 रुपये होता जा रहा है और 6 रुपये होता जा रहा है, का मतलब मार्केट नेगेटिव है, और बढ़ता जा रहा है अगर इस तरीके से तो मार्केट पॉजिटिव है। ये चीज़ आप समझ गए। अब अगला देखो, इसके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स में भाई बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 3 तरीके के मूविंग एवरेज पढ़ने होते हैं। पहला होता है 20 EMA पढ़ना होता है हमें, ठीक है। एक टाइप और होता है, मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं पहले। एक होता है EMA और एक होता है SMA। EMA में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और ये सिंपल मूविंग एवरेज होता है। सबसे बेस्ट होता है EMA। SMA को हटा दो, अभी हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हैं EMA के टाइप्स। तो EMA के टाइप सबसे पहला होता है 20 EMA, दूसरा 50 EMA, और तीसरा 200 EMA। 50 एंड 200 को हम इस्तेमाल करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, और 20 EMA को हम इस्तेमाल करते हैं इंट्राडे के अंदर। तो हम लोग इसकी स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, सबसे बेस्ट होता है आपका 20, जो कि काफ़ी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है प्राइस को, यानी कि ये काफ़ी तेज़ी से आपको बता देगा छोटे टाइम फ्रेम पे, 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि ट्रेंड बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये होता है, लेकिन जहां इस्तेमाल करोगे वहीं पर ये बेस्ट होता है, यानी कि सिर्फ इंट्राडे में, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज, चार्ट पे देखेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो लोग आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, या तो आप कोई स्टॉक उठा लो या इंडेक्स उठा लो। तो आपको कुछ ऐसा सिंपल सा लोगो दिख रहा होगा इंडिकेटर्स का, आपको इस पे क्लिक करना है, और सिंपली आपको क्या सर्च करना है यहां पर, मूविंग एवरेज। तो मैं यहां पर मूविंग एवरेज सर्च कर लेता हूं, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ एक्सपोनेंशियल सा मूविंग एवरेज दिख रहा होगा। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अपडेटेड यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में करते हो तो। ट्रेडिंग व्यू का लिंक मैं कमेंट में दे दूंगा, तो आप वहाँ से कर लेना। इस पर चार्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल किया करो। हमने इसको लगा लिया यार, दो दो लग गया है, तो एक हम हटा देते हैं। और आपको यहाँ पर अब कुछ दिख रहा होगा सेटिंग बना हुआ यहाँ पर, ये देखो ये सेटिंग सा दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर हमें चेंज करके क्या कर देना है, इसको 20 कर देना है। तो बस हमने यहाँ पर 20 कर दिया है, और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ओके हमने दबा दिया। तो अब देखो, ये हमने लगा रखा है 5 मिनट का चार्ट। अब यहाँ पर गौर से सुनना जो मैं आपको बात बोलने जा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था आपको, अगर मूविंग एवरेज इस तरीके से चल रहा है नीचे होता हुआ, इसको हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं, या एक सेकेंड, हाँ इसको रेड कर देते हैं, ओके। तो मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है यहाँ पर, और ये जो है कैंडल्स नीचे बन रही हैं इसकी, इसका मतलब क्या है, प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है प्राइस। तो हमें किस और जाना है, हमें बेचने की और सोचना है इंट्राडे के अंदर। और ये देखो, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था ना मूविंग एवरेज का। अगर आप ऊपर देखो यहाँ पर, पहले प्राइस इसके ऊपर था सारा, ठीक है। जैसे इसके नीचे आना चालू हुआ, और प्राइस ने कैसा मूवमेंट दिखाया है भाई, नीचे की ओर मूवमेंट दिखाया, और जैसे ही ऊपर गया तो अभी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर आपको मालूम हो कि भाई ट्रेंड बदल गया है, तो आपको बेचने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। और बेचना कहाँ है, जब प्राइस टच करे मूविंग एवरेज को। देख पा रहे हो इस चीज़ को, कितना बढ़िया यहाँ तक का टारगेट आपका अचीव हुआ है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। दो चार एग्जांपल और देखते हैं सेलिंग साइड में। ये देखो, इसके नीचे है
यहाँ पर अगर आप सेल करते प्राइस ने जब मूविंग एवरेज को टच किया तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हुआ यहाँ पर, देख पा रहे हो। और ऊपर की साइड क्या करते हैं आप, जैसे इसके ऊपर गया यहाँ पर, टच किया यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हुआ यहाँ पर मूविंग एवरेज के अंदर। लेकिन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल आप कहाँ पर नहीं कर सकते हो, जब यार मार्केट इस तरीके से होना चॉपी हो, कुछ इस तरीके से चल रहा हो, तो आप हो सकता है आपके स्टॉप लॉसेज हिट हो जाएं। सो जब मार्केट साइडवे हो तो मत किया करो, मार्केट वन साइडेड रॉकेटेड ऊपर होना चाहिए या रॉकेटेड नीचे होना चाहिए, तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मूविंग एवरेज का। जैसे यहाँ पर देखो, ये हो रहा है मार्केट साइडवे, आप मान लो यहाँ पर आया इसके नीचे, आपने सेल किया, स्टॉप लॉस आपने कहीं यहाँ पर लगाया, वो हिट हो गया जा करके। मान लो ऊपर गया, आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, वो यहाँ हिट हो गया, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं ऐसे मार्केट में ट्रेड लेने का। मूविंग एवरेज ऐसे होना चाहिए, ठीक है, या ऐसे होना चाहिए, तभी ले सकते हैं हम लोग ट्रेड। और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर इंट्राडे का, वाओ क्या ट्रेड मिला है, नीचे आया, ये ट्रेड मिला जूम, देख पा रहे हो इस चीज़ को, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे आपको इसके अंदर। ये देखो यहाँ पर नीचे गिर रहा है मूविंग एवरेज पूरा, नीचे क्लोजिंग आई जूम, देख पा रहे हो इस चीज़ को। ऐसे ही बाइंग साइड आप देख सकते हो, ऊपर क्लोजिंग आएगी तो आपको बाइंग के मौके मिलेंगे। अभी मार्केट नेगेटिव चल रहा था बहुत दिनों से, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पर देखो बाइंग का क्या ट्रेड मिला है ना भाई, यहाँ पर क्लोजिंग आई जूम, देख पा रहे हो क्लोजिंग आई है, क्या मस्त ट्रेड मिला है। यहाँ देखो आपको यहाँ से भी पता लगेगा, ये टच किया यहाँ पर जूम, देख पा रहे हो इस चीज़ को। तो ये है हो गई हमारी इंट्राडे की स्ट्रैटेजी। अब हम चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग की ओर। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है, एक बार और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को यहाँ सर्च कर लेना और उसे लगा लेना है। यहाँ पर एक और मूविंग एवरेज लगा लिया हमने, अब इन दोनों के अंदर हमें सेटिंग करके ना 20 की जगह पहले में 50 कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको 50 और इसको कर दिया ओके। दूसरे वाले में 9 की जगह यहाँ कर दो 200 और इसका कलर भी बदल दो ताकि दोनों अलग हो जाए। तो यहाँ पर हमने कर दिया भाई 200 और कलर बदल देते हैं स्टाइल में जा करके, इसको हम कर देते हैं भाई रेड, ठीक है, डन। अब कर देते हैं ओके, अब ये लग गया। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम चेंज करना होगा और लगाना होगा वन डे का टाइम फ्रेम, तो हम वो भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो देखो स्ट्रैटेजी क्या है, जब रेड वाले को नीले वाला नीचे से क्रॉस करे ना तो हमें बाय करना है, ठीक है, और जब रेड वाले को नीले वाला इसके नीचे क्रॉस करे तो हमें सेल करने का प्लान करना है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर ट्रेड मिला था। ये इंडेक्स में ट्रेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके अंदर, लेकिन जब भी मिलता है ना भाई तो काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये आया था क्रॉस नीले वाले का रेड वाले का ऊपर, और देख पा रहे हो मार्केट ने भाई कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं है यहाँ तक, क्या प्रॉफिटेबल डे रहा। और जैसे ही नीचे क्लोजिंग आए सेल कर दो, जैसे ही रेड के नीचे क्लोजिंग आए, दिखाता हूँ आपको, अभी तक सेलिंग के मौके नहीं मिले, सेल कर दो यहाँ पर या यहाँ कर दो। लेकिन इतना प्रॉफिट आप बुक कर चुके हो यहाँ तक, क्या इतना पेशेंस है आपके पास यार, पहले ही ले लो टारगेट, इतना वेट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो यार ये सारे एग्जाम्पल हम लोग स्टॉक्स में देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भारतीय एयरटेल का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ये देखो स्टॉक्स में ज़्यादा मौके मिलते हैं। ये यहाँ पर देखो नीले वाला क्या है, रेड के ऊपर है, बूम, दोनों आसपास भी होंगे या क्रॉस कर रहे होंगे, चलेगा, ठीक है। और देखो मार्केट साइडवे है तो कोई तो ट्रेड लेना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखो नीले वाले ने क्रॉस किया है, बूम, तो ये हो गया आपका स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। यहाँ पर नीले वाले ने रेड को क्रॉस किया, बूम, देख पा रहे हो इस चीज़ को। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है, और स्टॉप लॉस जो है ना एंट्री कैंडल के पीछे वाले कैंडल के नीचे रख सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, दोनों मूविंग एवरेज जो क्रॉस कर रहे हैं ना, जब तक दोनों मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज नहीं हो जाता तब तक आप बेचना नहीं, अगर आपने ऊपर की ओर ले रखा है, और नहीं तो अगर दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता प्राइस तब तक आप बेचना नहीं, अगर आपने नीचे की ओर सेल कर रखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर करो, और लाइक करना मत भूलना प्लीज़ वीडियो को यार, आपके प्यार की ज़रूरत है।